इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क। शहडोल नगर पालिका में अध्यक्ष उपाध्यक्ष का निर्वाचन संपन्न हो गया है, जिसमें कांग्रेस के घनश्याम जायसवाल 21 वोट पाकर अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं। वहीं भाजपा के अधिकृत प्रत्याशी प्रेम प्रकाश सोनी को 18 मत मिले। बताया जा रहा है कि शहडोल नगर पालिका में कांग्रेस 20 साल के बाद वापसी की है। सबसे चौंकाने वाली बात ये रही कि उपाध्यक्ष पद पर भाजपा कब्जा जमाने में सफल रही। भाजपा के उपाध्यक्ष पद के उम्मीदवार प्रवीण शर्मा को 22 मत मिले और वे उपाध्यक्ष की कुर्सी में कब्जा जमाने में सफल रहे। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस की ओर से उपाध्यक्ष के लिए कुंदन पांडे मैदान में रही, जिन्हें 17 वोट से ही संतोष करना पड़ा। शहडोल नगर पालिका का अध्यक्ष उपाध्यक्ष का चुनाव चौंकाने वाला रहा। वहीं परिणाम आते ही भाजपा पार्षदों के द्वारा भीतरघात करने की चर्चा आम हो गई है। भाजपा की हार और इस परिणाम के पीछे सबसे बड़ी वजह प्रत्याशी का चयन भी बताया जा रहा है। चर्चाओं की माने तो भाजपा ने अध्यक्ष के लिए उपयुक्त व्यक्ति का चयन नहीं किया, जिसके कारण भाजपा अध्यक्ष की कुर्सी से दूर रह गई। नगर पालिका चुनाव था अध्यक्ष उपाध्यक्ष का, क्या परिणाम सामने आया, किस तरह के परिणाम रहे? नगर पालिका का चुनाव था अध्यक्ष उपाध्यक्ष, क्या परिणाम सामने आया, किस तरह का परिणाम? परिणाम जो सामने आया, आप लोगों को तो हम लोगों से पहले मालूम हो गया था, और जैसा भी जो परिणाम आया स्वागत तो क्या कर सकते हैं, हम लोग तो पूरा प्रयास किए या परिषद में अध्यक्ष उपाध्यक्ष दोनों बने, लेकिन हम कहीं ना कहीं हमारी थोड़ी बहुत कोई ऐसी चूक रही होगी, उसके कारण अध्यक्ष अपना नहीं बना पाए हैं। बहुमत में काम करेंगे, बहुमत ज्यादा होने के बाद भी नहीं बना पाए हैं। बहुमत तो हमारा क्या, पार्टी का पूरा बहुमत नहीं था, फिर भी बहुमत से दो कदम दूर थे, लेकिन चलिए अब प्रयास तो हम लोग का था, पूरी पार्टी का था, संगठन का था, पार्षदों का था, हमने अच्छा प्रयास किया, मेहनत किया, ठीक है, सफलता नहीं मिल पाई, अब इसके लिए तो हम ये करेंगे, फिर पुनः जाएंगे जनता के बीच, देखेंगे काम धाम करेंगे। अध्यक्ष उपाध्यक्ष चेंज हो गए हैं, अब विकास की गति कैसे आगे बढ़ेगी ये बताएं। नहीं, हम प्रयास करेंगे कि जो भी अध्यक्ष बने हैं, जो भी परिषद है, उसको साथ लेके चले और काम करें, शहर का काम करने के लिए बने हैं, अभी हम व्यक्तिगत उसके लिए तो बने नहीं है, शहर का विकास होना चाहिए, तो अध्यक्ष चाहे कोई हो, उपाध्यक्ष कोई हो, मिलजुल के काम करना है, पार्षद हमारे पूरे के पूरे 39 पार्षद हैं। पिछले आपके कुछ काम बचे थे उनको पूरे करेंगे क्या, जो पिछले हम पुराने काम का भी करने का प्रयास करेंगे और नए काम भी होना चाहिए, जो शहर के हिसाब से जो अपने को कमी महसूस हो रहे हैं उनका कल का भी प्रयास हम करेंगे। अच्छा, जो अपने अध्यक्ष ने मतलब कहीं ना कहीं क्रॉस वोटिंग हुई है क्या भाजपा? नहीं, ये नहीं बोल सकते, हमारे दल के तो 18 वोट थे, हमने 18 वोट पाए हैं। शहडोल में शहडोल नगर पालिका अध्यक्ष उपाध्यक्ष के जो चुनाव था वो शांतिपूर्ण संपन्न हो गया, कौन कितने वोट से जीता, क्या था? आज नगर पालिका निर्वाचन अध्यक्ष उपाध्यक्ष की प्रक्रिया पूर्ण हुई। अध्यक्ष घनश्याम दास जायसवाल को 21 मत मिले, प्रेम कुमार सोनी जो है उनको 18 मत मिले, और उपाध्यक्ष के चुनाव में प्रवीण शर्मा गोयल को 22 मत मिले और कुंदन पांडे को 17 मत मिले। शहडोल में शहडोल नगर पालिका अध्यक्ष उपाध्यक्ष के जो चुनाव था वो शांतिपूर्ण संपन्न हो गया, कौन कितने वोट से जीता, क्या था? आज नगर पालिका निर्वाचन अध्यक्ष उपाध्यक्ष की प्रक्रिया पूर्ण हुई। अध्यक्ष घनश्याम दास जायसवाल को 21 मत मिले, प्रेम कुमार सोनी जो है उनको 18 मत मिले, और उपाध्यक्ष के चुनाव में प्रवीण शर्मा गोयल को 22 मत मिले और कुंदन पांडे को 17 मत मिले। इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क।